अब चीन से कोलकाता का सफर तय होगा महज 2 घंटों में। बांग्लादेश म्यांमार के रास्ते पश्चिमी बंगाल में पहुंचेगी बुलेट ट्रेन। जानिए क्या है पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करना ना भूलें बेल आइकन। हाल ही में चीन एक ऐसी परियोजना पर विचार कर रहा है जो नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संपर्क के क्षेत्र में बड़ा कदम हो सकता है। चीन ने अपने शहर कुनमिंग से पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव किया है, जिससे तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटों में तय की जा सकेगी और ये दोनों जगहों के बीच यात्रा में फ्लाइट से लगने वाले समय से भी कम समय होगा। चीन के महावाणिज्य दूत मां जानवू ने कोलकाता में इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने हाल ही में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि यदि ये परियोजना पूरी हो जाती है तो कुनमिंग से कोलकाता के बीच फ्लाइट से यात्रा में लगने वाले 2 घंटे 30 मिनट से भी कम समय लगेगा, जो कि महज 2 घंटे होगा। चीन के यूनान प्रांत में स्थित कुनमिंग देश परिवहन का हब माना जाता है। चीनी वाणिज्य दूत का कहना है कि अगर ये योजना अमल में आती है तो ये दोनों देशों के बीच न केवल संपर्क बल्कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा कदम होगा। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह एक बैठक के दौरान विशेषज्ञों द्वारा भी इस संबंध में सुझाव दिए गए थे। आने वाले समय में इस योजना पर अमल हो सकता है। मां ने इस आशंका को भी खारिज किया कि चीन भारत और पड़ोसी देशों में अपने पैर नहीं पसारना चाहता। उनका उद्देश्य इन देशों को लाभ देना है और साझा हित है। बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार कॉरिडोर के जरिए व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चीन और कोलकाता के बीच बुलेट ट्रेन बन पाती है या नहीं। अभी के लिए दीजिए इन खबरों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।